नागिन मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा मैं राखी तू नल्ला मैं राखी तू नल्ला जन्म जन्म से तेरा मेरा बैर और नल्ले अब तेरी नहीं खैर 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 खांदर जी बैक अच्छा गाना बना राखी जी आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं और यूट्यूबर काफी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर पांच पांच शादी आपने कर ली है क्या कहना चाहोगे मुझे लगता है जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं मुझे लगता है उनकी बहन की पांच शादी हो गई है और उनकी माँ की पांच शादियाँ हो गई है और मुझे लगता है कि जो यूट्यूबर मुझे रोस्ट कर रहे हैं मुझ पर कलंक लगा रहे हैं गंदा उन्होंने अपनी आँखों से कुछ देखा नहीं है और अपनी बैंक भरने के लिए मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि मामला कोर्ट में चल रहा है क्या सच क्या झूठ वो कोर्ट बताएगा है ना यूट्यूबर को कोई भी हक नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी से और अपने पैसे कमाने के लिए या अपने आप को ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करके मुझे गंदे तरीके से पांच पतियों वाला जो इल्ज़ाम जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लगाया है आदिल ने मेरे हस्बैंड अब उसको एक्स हस्बैंड बोलूं क्या बोलूं क्योंकि वो तो कहते मेरी शादी उनके साथ नहीं हुई है ओके इल्ज़ाम नंबर एक वो कहते हैं कि मैं उनकी बीवी नहीं हूँ इल्ज़ाम नंबर दो वो कहते हैं कि मेरी पांच शादी हो गई है इल्ज़ाम नंबर तीन वो कहते हैं और क्या कहते हैं कहीं ना कहीं आपकी तो एक ही शादी हुई है जी मेरा पहले एक एक्सीडेंट हो गया था रितेश का जो था मेरा रितेश का रिश्ता वो कोई शादी वादी नहीं था दैट वॉज वन एक्सीडेंट और एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों के साथ होता है इस बॉलीवुड में बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाम आप देखिए ये सेलिब्रिटी देखिए इसने तीन शादियां करी है ये सेलिब्रिटी देखिए फोटो लगा लेना इसने तीन शादियां करी है ये सेलिब्रिटी देखिए दो शादियां करी है ये सेलिब्रिटी देखिए एक का नाम बताइए मैं क्यों नाम बताऊं मुझे कोई अधिकार नहीं सच हुआ सच बोला मैंने देखिए पांच शादियां तो पांचाली की हुई थी मैं पांचाली नहीं हूँ हाँ मेरा एक एक्सीडेंट था और मेरी रियल शादी जो है वो आदिल खान दुरानी से हुई है वो डरते हैं कि मैं डाइवोर्स में उनसे क्या बोलते वो ना ले लूँ एलिमनी ना ले लूँ डाइवोर्स से एलिमनी ना ले लूँ जो मेरे चेक 2 करोड़ के पड़े हैं वो मैं केस ना करूँ इसीलिए वो ये सब फालतू बातें कर रहे हैं उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैंने हमेशा कोई भी औरत दो शादियां नहीं करती जब तक उसको पहली शादी में या दूसरी शादी में जुल्म ना हो Am I right? राखी जी लेकिन जो यूट्यूबर के खिलाफ आप बोल रहे हो तो क्या होने मैं उन यूट्यूबर वो जो यूट्यूबर है जिन्होंने मुझे रोस्ट करके पांच पति बोला है उन पे मैं FIR कर रही हूँ और डेफेमेशन का केस कर रही हूँ क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी आप मुझे रोस्ट करो लेकिन उन्होंने बहुत गंदा बोला कि हर इंसान कार बदलता है हर साल हर इंसान शर्ट बदलता है लेकिन मैं मेरे माँ बाप नहीं मैं स्ट्रगल करके बॉलीवुड में आई मैं अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझ पर पांच पति का कलंक लगाना चाहती हूँ मैंने अगर मेरे पहले पति रितेश वो एक एक्सीडेंट था मेरा एक ही शादी हुई है आदिल के साथ ठीक है कोर्ट डिसाइड करेगा कि मैंने दो शादी करी है कि नहीं मैंने तो सिर्फ एक ही शादी करी है तो इसका मतलब मेरी चार शादियां मेरी बाकी है तो शेम होना चाहिए उन लोगों को और मैं डेफिमेशन का केस कर रही हूँ
अगर वो वीडियो हटा देते हो तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका वो वीडियो रखे, लेकिन उसमें से 5 पति अगर आप निकाल दें, 5 पति निकाल दें तो शायद उन पे केस नहीं बनेगा। आप मुझे रोस्ट कर सकते हैं, मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन जो कलंक लगाना तुम्हारी भी बहन है, मुझे लगता है तुम्हारी बहन के 5 पति हो गए, तुम्हारी माँ के 5 पति हो गए, इसलिए आप ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। एक अक्यूज जो 6 महीने जेल में जाके आया है, एक अक्यूज मेरा हस्बैंड जो जेल में जाके आया है, वो अपना बदला लेने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। थैंक यू मैडम, ओ मैडम थैंक यू, प्लीज जाओ। तो अक्यूज़ लगा रहे हैं, इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे आदिल खान दुरानी के इल्ज़ाम सारे खारिज है, मैं खारिज करती हूँ। और दूसरा मेरा मामला कोर्ट में, आप समझते क्यों नहीं है, उसको जेल 6 महीने वो ईरानी लड़की के रेप में जेल में गया है, इसीलिए वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और देश को मेरे इल्ज़ामों से, उसको लगता है देश के लोगों को भ्रमित करेगा, उनका माइंड डाइवर्ट करेगा, ओहो देखो राखी सावंत ऐसी है, राखी सावंत वैसी है, मैं बहुत इनोसेंट हूँ। देश की सिंपथी लेने के लिए आदिल खान दुरानी जो है ऐसे सिंपथी कार्ड खेल रहे हैं। मैंने 20 साल लोगों को दिए हैं, वो आप देखिए खुद, इलेश जो मैंने स्वयंवर किया था, जो एक रियलिटी शो था उसको गिना रहा है पहला पति, वो एक रियलिटी शो था, ज़माना हो गया 15-20 साल हो गए, ख़त्म हो गए, वो उसकी तो शादी करके उसके 2 बच्चे हो गए, इसकी और कौन दीपक कलाल की दिखा रहा है वो, तो दीपक कलाल तो मेरी बहन है, वो तो खुद ही एक बहन है, समझ सकते आप, तो वो एक स्पूफ था हमारा कॉमेडी का, उसको भी पति गिना रहे, शेमोनी आदिल खान दुरानी शेमोनी। और उन्होंने झूठा झूठा एलिगेशन लगाया है कि मैंने मारने की, क्या उनको मुझसे डर है, डर हमको आपसे होना चाहिए, डर हमें आपसे होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मारते हैं, हम नहीं। मेरे 20 साल में तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके 12-12, 13-13, 14-14 420 के रेप के चोट पहुंचाने के केसेस है, मेरे केसेस है ही नहीं। दुनिया ये तराजू है, दुनिया मेरे दुनिया के लोगों ये तराजू है, मेरे 20 साल रखो और इसका ये अभी आके झूठ बोलना तराजू में रखो। मेरा तराजू देखो डेफिनेटली ऊपर होगा, मैंने सच्चे दिल से देश की जनता की सेवा करी है, मैंने कैसे भी कपड़े पहनकर कैसे भी बॉलीवुड में काम किया है, एज आइटम गर्ल, एज अ ग्लैमरस गर्ल, आज सभी मुझे फॉलो करते हैं, सभी लड़कियों की हिम्मत हूँ मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी लड़ाई लड़ूंगी मैं। दोस्तों देश को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं आधे से लोग ज़्यादा, क्योंकि मैंने बुरखा पहना है, मैं मक्का मदीना गई, मैं एक पवित्र जगह पे गई, मैं दुआ मांगी, मैंने रोते रोते वीडियो बनाया, वहाँ पर छोटा बच्चा से लेकर बड़े बड़े हर कोई फ़ोन में वीडियो बनाते हैं, आप जाके देखिए, क्योंकि अगर राखी सावंत ने वीडियो बनाया तो कुछ सेलिब्रिटी मुझ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्यों? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मक्का मदीना में हर इंसान वीडियो बनाता है, मैंने बनाया वीडियो तो आप हर कोई बनाता है, मैंने मेरा दर्द मेरे अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह को काबा शरीफ को साक्षी रखकर मैंने वीडियो बना के लोगों को भेजा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी वरना मेरा अल्लाह मुझे मार डालेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो मैंने सबको बताया है, जो मेरे साथ अन्याय, मैं एक महाराष्ट्र लड़की, मेरे साथ झूठा प्यार का वादा करके इस्लाम कबूल करा के मुझे पति के प्यार में, मैंने तो कहा था हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नॉर्मल मैरिज करेंगे, उन्होंने कहा नहीं इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, ठीक है मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए, आज उन्होंने इस्लाम को कबूल करा के, मैं उन सब मौलाओं से पूछती हूँ, उन सारे मुसलमानों से पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है, मैंने
इस्लाम कबूल किया, मैंने ईमानदारी से शादी की, मैं एक लॉयल बीवी थी। जब बीवी स्टार्टिंग में रहती है ना तो बहुत अच्छे फूल बरसाते हैं, लेकिन जब उसको छोड़ने का रहता है ना तो पति उस पर कलंक लगाता है, उस बहाने बनाता है कि ये बच्चलन है, ये उल्टा है, ये कलंकित है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है। बट मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी। मैं अभी फ्लाइट में जा रही, मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती दोस्तों, मीडिया वालों, देश की जनता, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ, मैं एक लॉयल बीवी। मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, सच्चे दिल से प्यार किया, सच्चे दिल से उसका साथ दिया, लेकिन आदिल ने सिर्फ मुझे धोखा दिया। मेरा क्या कसूर है, मेरे दिल का क्या कसूर है? और वो लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं, अल्लाह का, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो। सलाम। कुछ और सवाल है? मैं इमोशनल नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों के, सारी ज़िंदगी लोगों के जवाब देते देते, मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है। और आदिल को मैंने 100 बार बोला, डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, डाइवोर्स दो, वो दे नहीं रहे, क्यों मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने इतने कलंक लगा दिए मुझ पर। तुम्हारी शादी के बाद तो मैं रितेश से कभी मिली भी नहीं हूँ, बिग बॉस से रितेश निकलने के बाद, उसके बाद मैं कभी रितेश से मिली नहीं। मैंने कहा, बहुत बड़ा कहा, मुझे जीना है, मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि मेरी फ़्लाइट के बारे में मैंने अभी कहा, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलती। मेरे जेवर बेचे, मेरे एवरी सब कुछ बेच बाच के मैंने आदिल को 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आदिल ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा वो एज अ पति होने के नाते थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा। मैं कहाँ गलत हूँ यूट्यूबर हो, मैं कहाँ गलत हूँ यूट्यूबर हो? तुम मुझे रोज करो, मुझे गंदा से गंदा बोलो, लेकिन यूट्यूबरों में हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ यूट्यूबरों। मुझे 5 पति वाला कलंक मत लगाओ, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, वो मैंने रियलिटी शोज़ किए। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुर्रानी के साथ हुई है, वो भी वो झूठी शादी साबित करने पर तुला हुआ है। रितेश मेरे अच्छे दोस्त है, जो मेरे वक्त पर काम आया है हमेशा। रितेश ने मुझ पर काफ़ी रुपए खर्च किए हैं, मेरी गरीबी में, मेरी माँ की लाचारी में और लॉकडाउन में। मेरे सर पे लोन था, मैं झूठ नहीं बोल रही। आज उसने मुझे, आदिल खान दुर्रानी ने मेरी सारी कारें ले ली है, मुझे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लिया, मेरा जेवर, मेरी माँ के जेवर, मेरे जेवर, सब कुछ ले लिया, और वो आप सबके सामने शरीफ बनता। मैं कहती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैं गुनहगार निकलूँ ना तो मुझे जला दो, मार दो, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँ, मैं क्या करूँ? कोर्ट का तो आएगा आएगा, लेकिन मुझे रहना समाज में। और एक बंदी जो है उसकी, जो राखी बांधने का झूठा नाटक कर रही है, वो गंदगी मुझे गंदगी कह रही है। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीनकर चली गई। तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने के लायक नहीं, तुम जैसी औरतों को कोई दोस्ती कर नहीं सकता, तुम जैसी औरतें दूसरों का पति छीन लेती। आज आज राष्ट्रीय मोरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शायद टिकी रहती, क्योंकि उसी ने आदिल को बहुत चढ़ाया है, गंद बोला है कि मेरे पति है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं ये हूँ, क्योंकि मेरी 8 साल की दोस्त है। और अपने हस्बैंड जो होते कान के कच्चे होते, बीवी पे यकीन नहीं करते, उसकी पाक, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। आदिल तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया आदिल,
मैं पाक थी आदिल, मैं पाक थी। एंड इट्स नॉट मैटर ऑफ इट्स नॉट मैटर ऑफ हु इज माय नेक्स्ट। It's not matter of my ex. It's now it's matter of who's my next. Alvida. क्या बात है? आइए आइए आइए, चलो आइए भाई, नीचे आओ। चलो राशि ने बोला था नवंबर 6 तारीख को कोर्ट में फैसला होगा, दो महीने के बाद, और मेरा भी जज लगे सामने खड़ा करेंगे। उसको तुम्हारे बंदी को बोलना कि मेरे खिलाफ अगर मैंने उसके लिए एक भी चीज बुरी बोली है नाम लेकर, तो उसको बोलना कि सबूत पेश करे। और उसने मुझे कितनी गालियाँ, अब्यूज, स्टेटस, एक सेलिब्रिटी का स्टेटस कितना